आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको आज एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आपका इंटरनेट कितना भी स्लो क्यों ना हो वो बहुत ही फास्ट चलेगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो ये आपको है कि अगर कोई भी वेबसाइट जो आप चाहते हैं और वो वेबसाइट नहीं ओपन होता है, जो कंट्री में बैंड हो, बहुत सारे कंट्री में बहुत सारा एप्लीकेशन और वेबसाइट जो है बैंड होता है, जैसे चाइना में बहुत सारे एप्लीकेशन बैंड है, ये इंडिया में बहुत सारे एप्लीकेशन बैंड है, तो इस एप्लीकेशन को आप यूज़ करेंगे तो आपका जो भी वेबसाइट हो या एप्लीकेशन हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, वो अनलॉक हो जाएगा। आप इजीली उसको यूज़ भी कर सकते हैं और उस वेबसाइट को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा ये दो फायदा हो गया। तीसरा फायदा आपको ये है कि अगर आप गल्फ कंट्री में हैं और आपका आपके पास सोशल मीडिया सिर्फ है, आपके पास उतना बजट नहीं है कि आप उतना 100-200 लगा कर अपना नेट पैक रिचार्ज कर सकें, तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अगर 20-30 रियाल भी या फिर दिरहम भी लगाते हैं अपने मोबाइल में, तो आपका सोशल मीडिया का पैकेज हो जाएगा और उसमें आप इसको एक्टिवेट करके इजीली कोई भी किसी भी नेट को या फिर किसी भी ईमो, व्हाट्सएप, चाहे कोई भी आप क्रोम, कोई भी यूट्यूब वगैरह कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं इजीली और फास्ट। तो इसका ये सबसे बड़ा फायदा है आपको। तो देरी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं आपका दोस्त इजहार हसन, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल पे। तो चलते हैं स्क्रीन की ओर और सीखते हैं। लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले जो भी मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा आने वाला भी हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल को ओपन कर लेते हैं। मैं आपको लाइव प्रूफ चला करके दिखाऊंगा कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे अभी मोबाइल में जो है सिर्फ सोशल मीडिया का पैकेज है, एक्स्ट्रा कोई भी पैकेज नहीं है जिससे मैं यूट्यूब, चाहे ईमो या फिर कोई और भी क्रोम वगैरह यूज़ कर सकूँ। सिर्फ सोशल मीडिया का, इसमें मैं फेसबुक, व्हाट्सअप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम यही सिर्फ यूज़ कर सकता हूँ, व्हाट्सअप। तो इसको मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरा वाईफाई अभी कनेक्ट है और मैं अपना यूट्यूब आपको खोल के दिखाता हूं। देखिए कितना इजीली यूट्यूब अभी मेरा चल रहा है। तो यहां पे देख सकते हैं मैं अपने चैनल पे गया है। मैं अभी आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के लोगों पे आपको वाईफाई कनेक्ट है और इस पे मैं अपने चैनल को यूज़ कर रहा हूं, आराम से चल रहा है। देख सकते हैं कि ये अभी प्ले भी हो रहा है, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि इसको कैसे आपको करना। तो अभी मैं आपको इसका वाईफाई ऑफ करके और डाटा ऑन करके दिखाऊंगा। देखिए अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा वाईफाई ऑन है। तो अब मैं सबसे पहले अपना वाईफाई को बंद करूँगा, बंद कर देता हूँ और अपना डाटा ऑन कर देता हूँ मोबाइल का। तो मोबाइल का मैं डाटा ऑन कर लेता हूँ। तो ये मेरा मोबाइल का डाटा जो है ऑन हो गया। तब मैं आपको यूट्यूब खोलता हूँ। देखिए मेरा यूट्यूब नहीं चल रहा किसी तरीके से भी, ये नहीं चलेगा। इसमें आपको मैं अपना पेज भी खोल के दिखा देता हूँ। देखिए इसमें मेरा पेज सिर्फ बफरिंग कर रहा है, ये प्ले नहीं होगा किसी भी सूरत में। तो मेरा इसलिए मैं आपको फेसबुक ओपन करके दिखाता हूँ। मेरा देखिए फेसबुक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ये मेरा फेसबुक है, ये देखिए मेरा फेसबुक चल रहा है। इसमें सिर्फ मेरा सोशल मीडिया का पैकेज है और कोई पैकेज नहीं है। ये मेरा फेसबुक का डैशबोर्ड है, इसमें देख सकते हैं। और ये मेरा पेज है, ये मेरा पूरा पेज चल रहा है। इसमें आपको देख सकते हैं कि ये मेरा वीडियो अभी अपलोड डाला है, कुछ रील्स वगैरह। ये मेरा फेसबुक इजीली चल रहा है। अब मैं आपको टिकटॉक यूज़ करके दिखाता हूँ कि मेरा सोशल मीडिया ही सिर्फ पैकेज है। आपको ये ना लगे कि मैं वाईफाई यूज़ कर रहा हूं या फिर मेरे में कोई पैकेज है। तो मैं चलता हूं टिकटॉक की तरफ। ये मैं टिकटॉक ओपन कर लेता हूं। ये रहा टिकटॉक मेरा ओपन हो गया। तो देख सकते हैं अभी भी मेरा सिर्फ ये जो है मोबाइल का डाटा ही मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरा टिकटॉक चल रहा है। तो सिर्फ मेरे मोबाइल में सोशल मीडिया का ही पैकेज और कोई पैकेज नहीं है। आपके भी मोबाइल में सोशल मीडिया का पैकेज होना चाहिए, तभी आपको ये VPN जो है काम करेगा, इजीली वर्क करेगा और आसानी से आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं।
ये देखिए मेरा टिकटॉक चल रहा है आसानी से। अब मैं आपको इंस्टाग्राम ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, इसमें देखिए मेरा इंस्टाग्राम भी चल रहा है। तो मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया कि इसमें मेरा सिर्फ सोशल मीडिया का पैकेज है। ये देखिए मैंने फिर से वो यूट्यूब को ओपन कर लिया, अभी भी मेरा डाटा ही ऑन है, मेरा सोशल मीडिया का देख सकते हैं ये डाटा ऑन है अभी। तो इसमें आपको मैंने दिखा दिया कि ये मेरा डाटा ही ऑन है और वाईफाई वगैरह नहीं है, सिर्फ मेरा यही डाटा ही ऑन है, वाईफाई यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ यही। तो अभी फिर मैं वाईफाई को ऑन कर लेता हूँ। वाईफाई को ऑन करने के बाद देखिए मैं फिर से एक बार अपने यूट्यूब में जाता हूँ। तो फिर मैं वाईफाई ऑन कर लेता हूँ। अब आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो सिंपली आप अपना थोड़ा बहुत जो डाटा है आपके पास डाउनलोडिंग के लिए वो यूज़ कर लें, उसके बाद सीधा चल जाएँ प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद सर्च बार में जाएँ, सर्च बार में जाने के बाद टाइप करें TLS ट्यूनर। तो देख सकते हैं यहाँ पे TLS ट्यूनर नीचे में आपको शो कर रहा है, इसको आप क्लिक कर लें। तो कुछ इस तरह का लोगो है, इसे आप इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में। तो आप इसको इंस्टॉल कर लें, थोड़ा सा स्पीड स्लो है। तो इंस्टॉल होने के बाद चलिए डाउनलोड हो गया, अब इंस्टॉल होना चालू हो गया। तो ये मेरा इंस्टॉल हो गया, अब इसको आप ओपन कर लें। तो सिंपली मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ऊपर में आप देख सकते हैं गुड का टिक का निशान है, इसे आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद इसके में देख सकते हैं नीचे में, सबसे नीचे में लिखा है कनेक्शन मेथड, यानी डिफ़ॉल्ट अभी लिखा हुआ हुआ है, इसको आप इस पर आपको सिंपली क्लिक करना। डिफ़ॉल्ट मेथड पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे में कस्टम मेथड है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। कस्टम मेथड पर क्लिक करने के बाद बीच में सेकंड में आप देख सकते हैं यूज़ SNI होस्ट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे, इसमें एक SNI होस्ट मांगेगा, यानी कि एक URL मांगेगा। तो आपका सोशल मीडिया का पैकेज है, तो सोशल मीडिया में आपको फेसबुक, व्हाट्सअप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम ये यूज़ करने के लिए मिलता है, बाकी अदर आपको कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए नहीं मिलता है। तो अगर आप कोई भी है फेसबुक, आप जनरली फेसबुक सबको यूज़ करते हैं, इसलिए मैं फेसबुक का इस पर बता रहा हूँ कि आप फेसबुक इस पर टाइप कर दें। तो सिंपली आप इस पर जो मैं टाइप कर रहा हूँ वही आपको टाइप कर देना है। तो जो मैंने अभी यहाँ पे टाइप किया है, सिंपली आपको यही चीज़ अपने जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद बैक हो जाना है। आपको बैक होने के बाद ऊपर में आप देख सकते हैं ऑटो का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें। ऑटो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे में देख सकते हैं T443 का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक करते ही आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अभी भी देख सकते हैं अभी मेरा वाईफाई ऑन है। अब मैं इसको अपने मोबाइल के डाटा पे कन्वर्ट कर देता हूँ। ये मैंने मोबाइल का डाटा ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद देख सकते हैं अब मैं स्टार्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आएगा, इसको अलाउ ऑलवेज कर दें। उसका देखिए यहाँ पे कनेक्टिंग का ऑप्शन आ गया, कनेक्ट हो रहा है अभी। ये देख सकते हैं कि अभी भी मेरा जो है नेट ही ऑन है। तो ये देखिए ये मेरा कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं रिन्यू एक्सेस का ऑप्शन है। तो रिन्यू एक्सेस वॉच का मतलब है, अगर आप इस पे ऐड देखते हैं तो जो आपका टाइमिंग 14 मिनट का हो चाहे 10 मिनट का हो, वो बढ़कर 30 मिनट 45 मिनट पे चला जाएगा। तो इसको आप देख भी सकते हैं, नहीं तो बैक हो जाए। बैक होने के बाद एक वार्निंग आएगा, उस पर आप क्लिक कर दें। क्लोज का ऑप्शन है, उसको क्लिक कर दें, क्लोज करके हटा दें। उसके बाद फिर एक बैक ज्वाइन का ऑप्शन आता है, तो उसको हम लोग को कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें आप बैक हो जाएं। बैक होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अभी और मेरा मोबाइल का डाटा भी ऑन है। तो आप देख सकते हैं ये मोबाइल का डाटा, मेरा वाईफाई ऑन नहीं है। तो मोबाइल के डाटा पे मैंने VPN ऑन कर लिया। VPN ऑन करने के बाद मैं आपको अपना यूट्यूब का चैनल ओपन करके दिखाता हूँ कि यूट्यूब कैसे रन करेगा इसके पे, वो भी बहुत फास्ट करेगा। देखते हैं यहाँ पर मेरा यूट्यूब का चैनल जो है ओपन हो गया। ये देखिए यूट्यूब मेरा चल रहा है एकदम ईजिली स्मूथ, वो भी हाई स्पीड में 304 KBPS का स्पीड दे रहा है। ये मैंने अपना चैनल ओपन कर लिया। चैनल ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पूरा चैनल है जो मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो इस पर आपको मैं वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। ये मेरा वीडियो चालू हो गया।
अभी भी देख सकते हैं मेरा वाईफाई, वाईफाई नहीं मोबाइल डाटा ऑन है, ये मेरा वीडियो चालू हो गया। देखिए ये देख सकते हैं ये पूरा वीडियो यूट्यूब का जो जो भी विंडो है ये चालू है और आसानी से चल भी रहा है। मेरा फेसबुक वर्ड सॉरी यूट्यूब का पेज है ये देख सकते हैं, इजीली मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ इसको कुछ भी। ये देखिए अभी भी मेरा जो है इंटरनेट ऑन है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, वीपीएन को बंद कर देता हूँ। वीपीएन को बंद करने के बाद मैं आपको फिर से यूट्यूब को अपने वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये बफरिंग कर रहा है मगर ये चलेगा नहीं किसी कीमत भी नहीं। ये देखिए अभी भी मेरा डाटा ऑन है और मेरा सोशल मीडिया का पैकेज है, देख सकते हैं ये मेरा वीडियो चलेगा नहीं। फिर से मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ही मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ तो ये मेरा वीपीएन जो है फिर से कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद अब मैं फिर से यूट्यूब पे अपने जाता हूँ। ये देखिए मेरा यूट्यूब का वीडियो फिर से मैं चलाया और देख सकते हैं यहाँ पे मेरा यूट्यूब का फिर से चैनल आपको शो करेगा। अब मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ। देख सकते हैं अभी भी मेरा जो है नेट कनेक्ट है और वीपीएन ऑन है, मोबाइल का डाटा ऑन है और वीपीएन ऑन है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे। देखिए ये आपको मेरा जो YouTube है ये मेरा इजीली एक्सेस कर रहे हैं, वो भी मोबाइल के डाटा पे, वो भी सोशल मीडिया के पैकेज पे। मैंने इस पे कोई भी एक्स्ट्रा डाटा यूज़ नहीं किया। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी जो सोशल मीडिया का पैकेज भरा करके इस VPN को यूज़ करके आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं लेकिन इसका बहुत सारा जैसे नुकसान भी है, इसका बहुत सारा नुकसान भी है, इसलिए आप इसे उतना यूज़ ना करें। मेरा तो यही रहा है आप अपना पर्सनल डाटा यूज़ करें, लेकिन कभी कदार आप इसको अगर कोई ऐसा साइट या फिर जो एप्लीकेशन बैंड है उसको यूज़ करना चाहें तो आप इसे इजीली यूज़ करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो मैं आपका दोस्त इजहार हसन, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए।